वैष्णवी आपण पाहतात इंडियन टीव्ही न्यूज च्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर नजर टाकू आजच्या काही विशेष घडामोडींवर। इंडियन टीव्ही न्यूज चे व्हिडिओज नेहमी पाहण्यासाठी बेल की ला प्रेस करा आणि सबस्क्राइबर बना। टिटवाळा नजीक दहागाव येथील एक आश्रम भाविकांसाठी श्रद्धास्थान ठरत आहे। निसर्गरम्य वातावरण आणि बाजूने वाहणारी नदी अशा शांत परिसरात असणाऱ्या या आश्रमात दूरवरून अनेक भाविक येतात। येथील महंत यांनी या आश्रमाबद्दल अधिक माहिती दिली आहे। हमारे गुरुजी जब यहाँ आए थे तो ये नदी चालू नहीं हुआ था, जो बारहवीं डैम है ये बना नहीं था। हमारे गुरुजी भ्रमण करते करते तब आए थे जब ये नदी सूखा था। तब हमारे गुरुजी को आकाशवाणी हुआ था कि यहाँ तुम बैठो और अनादि काल से यहाँ आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार महापुरुषों ने किया है, आप बैठ करके उसका अनुभूति करो। तो हमारे गुरुजी दो बार और बाद में आए, बीच में आए तो थोड़ा सा पानी था, तीसरी बार में आए तो डैम बन गया था। तब हमारे गुरुजी बोले अब जीवन जीने लायक यहाँ व्यवस्था हो गया है, तब आश्रम का गुरुजी ने यहाँ निर्माण करवाया। ये आश्रम का यहाँ परिचय है। आध्यात्मिकतेवर बोलताना आपल्या ऋषीमुनींनी धर्माची व्याख्या जीवनाच्या सोबत केली असून पूर्वी धर्माबरोबरच जीवनही चार विभागात वाटले गेल्याचे उदाहरण देत त्यांनी हा विषय विशद केला। ऋषीमुनियोने धर्मा का व्याख्या जो है जीवन के साथ में किया है, जीवन से अलग हटके नहीं है। हमारा जीवन चार भागों से बटा हुआ है। पहले धर्म के साथ साथ हमारे जीवन चार भागों में बटा था। जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम है कि नहीं। इसी प्रकार से हमारी आयु भी चार भागों में बटा हुआ है, हैं, और कुमार अवस्था और जवानी अवस्था, वृद्ध अवस्था, ऐसे चार भागों में हमारे बहुत से जीवन के भाग ऐसे बटे हुए हैं, हैं। तो हमको जीवन को उसी ढंग से चलाना चाहिए जो हमारे अनादिकाल से महाजनन गतासुपन था, शास्त्रों में वर्णन है। तो शांति तो मनुष्य को तभी प्राप्त होगा। मानसिक शांति अशांति याबाबत बोलताना त्यांनी वाढत्या गरजा व आवश्यकता यातूनच दुःख अशांति यांना वाव मिळत असल्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले। अशांति आज के परिवेश जो अशांति है हम लोगों ने खुद ही बनाया है। आज अशांति है, कल नहीं था, इसका पैमाना जो है ये हम लोगों की आवश्यकता के ऊपर निर्भर है। आज आधुनिक काल में समाज में इतने आवश्यकता, इतने ऑप्शन आ गया कि मनुष्य को पूरे बाजार मार्केट का हर चीज़ अपने यहाँ हम इकट्ठा कर ले तो भी हमारे यहाँ कमी बना हुआ है। और प्राचीन काल में मनुष्य जो प्रकृति में जो उपलब्ध होता था उसी से अपने घर भी हैं, जीवन भी उसी हिसाब से वो संतुष्ट रहता था। आज आधुनिक काल में हर व्यवस्था बाजार में ऑप्शन है, बाजार की हर चीज़ चाहिए, तो भाई उसके लिए मनुष्य को भागम भाग अशांत तो होना पड़ेगा। सध्या लोक धर्माकडे मोठ्या प्रमाणात आकृष्ट होत असल्याबद्दल त्यांना विचारले असता मनुष्याचे जीवनच धर्माशी निगडित असून धर्म म्हणजे केवळ पूजापाठ नव्हे तर आपली कर्तव्य प्रामाणिकपणे व सत्यनिष्ठाने करणे हाच आपल्या जीवनाचा धर्म असल्याचे त्यांनी सांगितले। मनुष्य का तो वास्तव में धर्म ही सुरू है और धर्म ही आखिरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म की तुम रक्षा करो धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। हमारे धर्म में हमारे जीवन के चार अंग ही बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारा जीवन धर्म से शुरू होता है। धर्म के मतलब ये नहीं होता कि पूजा पाठ पद्धति यही धर्म नहीं है। हमारा जीवन का जो भाग है हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं है कि नहीं, और सच्चाई से करते हैं, सत्यनिष्ठ से करते हैं, इसको हमारे जीवन का धर्म माना गया है। और उसी धर्म को हम अर्थ में लेते हैं तो हमारे अर्थ भी धर्म पूर्ण होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज।
या होत्या इंडियन टीव्ही न्यूज. तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात 9320420420. तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची. उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी. तोपर्यंत धन्यवाद.